आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही पॉपुलर और शायद सभी ने अपनी लाइफ में एक बार तो जरूरी खाए होंगे, रेलवे वाले बैच कटलेट। क्रिस्पी क्रंची, वैसे ही लाल लाल अंदर से। वो रेलवे वाले और जो शादियों में बैच कटलेट मिलते हैं ना, उनकी एक अपनी खास बात होती है। जनरल में घर में बनाओ तो वैसे नहीं बन पाते। तो बस आज मैं आपको वही सीक्रेट चीज और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ट्रेन वाले वेज कटलेट की। एक बार जान लेंगे तो फिर ट्रेन के सफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेलवे वाले सुपर क्रिस्पी क्रंची वेज कटलेट बनाने के लिए आप रखिए गैस पर एक कढ़ाई या पैन और फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। ऐसे कटलेट बनाने के लिए सोचो तो लगता है बस आलू उबालो, मसाले डालो, कटलेट बन जाएंगे। वो तो हो गए सिंपल घर वाले कटलेट, लेकिन हम बना रहे हैं ऑथेंटिक रेलवे वाले कटलेट, जो उसका कलर अंदर से निकलता है ना, टेक्सचर और जो स्वाद होता है वैसे ही आएगा बिल्कुल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। और लो मीडियम फ्लेम पर सभी चीजों को हल्का सा सोटे करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस क्रंच बना रहे और चीजें थोड़ी सी पक जाए। ट्रेन जर्नी की कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद कोई नहीं भूल सकता, सभी को याद रहती है, तो उसी में से एक हमारे ये रेलवे वाले वेज कटलेट है। तो लीजिए, प्याज हमारी हल्की सी नरम हो गई है, भुन गई है हल्की। तो बस इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गाजर, जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ अब इसमें जाएगी फ्रेंच बीन्स। लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स। अब भाई वेज कटलेट बना रहे हैं और मौसम भी है खूब सारी हरी भरी सब्जियों का, तो सारी सब्जियां डालना तो बनता है। और ये वही सारी सब्जियां हैं जो आपके रेलवे वाले वेज कटलेट में होती हैं। लो मीडियम फ्लेम पर सभी चीजों को थोड़ा भूनने से कटलेट की शेल्फ लाइफ प्लस उसका जो स्वाद है वो एकदम इनहेंस हो जाता है। और बस 1 मिनट इस तरीके से सभी चीजों को भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेज कटलेट की जान, यानी रेलवे वेज कटलेट की सबसे जरूरी चीज, और वो है बीटरूट चुकंदर। तो लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ बीटरूट, जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आपको रेलवे वाले कटलेट जैसा अंदर वाला कलर चाहिए। जब कटलेट आप तोड़ते हैं ना, उसमें जो आप कलर देखते हैं हल्का पिंकिश सा, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बीटरूट। हेल्दी तो होता ही है, ढेर सारे आयरन से भरा हुआ, साथ के साथ इस कटलेट में 4 चांद लगा देता है, बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट वेज कटलेट का। वाव, क्या कलर्स दिख रहे हैं, एकदम हरा भरा गुलाबी, बिल्कुल मौसम के हिसाब से एप्रोप्रिएट। हल्का सा नरम होने तक बीन्स वगैरह को थोड़ा सा पका लीजिए। अब इसमें डालते हैं कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गया 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी अच्छे कलर के लिए, साथ ही इसमें अब जाएगा 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और साथ ही गया थोड़ा सा नींबू का रस 1 छोटी चम्मच। परफेक्ट, जबरदस्त टेस्ट निकल कर आएगा आपके कटलेट्स में, बिल्कुल वही टेस्ट जो आपके ट्रेन वाले कटलेट में होता है। सभी चीजें हमारी हल्की पक गई हैं, बहुत ही कम समय लगता है, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा आपको। फाइनली डालते हैं हरी मटर 4 बड़े चम्मच। अब सीजन भी है हरी मटर का, तो आप जरूर डालें, और नहीं हो आपके पास फ्रोजन वाली मटर हो तो वो भी डाल सकते हैं। मटर को हल्का सा मैंने उबाल लिया है गर्म पानी में। और इस स्टेज पर मटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 उबले हुए आलू, मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं उबले हुए, जिन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, आप मैश करके भी डाल सकते हैं। आलू को भी यही डाल दें और बढ़िया से सारी सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून लें, इससे स्वाद भी इनहेंस हो जाएगा और कटलेट जल्दी आपके खराब भी नहीं होंगे। यही किया जाता है ट्रेन वाले कटलेट्स में भी, जिससे कि जो कटलेट्स हैं वो काफी टाइम तक सही बने रहते हैं। थोड़ा आलू भून लेंगे तो स्वाद अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर और टेस्टी हमारी कटलेट की स्टफिंग, देखने से आ रहा है ना मुंह में पानी, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर, वैसी ही लुकिंग। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, पूरी बन रही है ना, पैन भी छोड़ रहा है हमारा मिक्स, और सभी चीजें एक साथ इकट्ठी होकर
बाइंड हो रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आलू भी बढ़िया भुन गया है और मिक्स को निकालेंगे एक बोल में। परफेक्ट। तो गैस को करेंगे बंद और फाइनली इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस तरह से मिक्स को निकाल करके थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम अपने कटलेट तैयार करेंगे। और ये लीजिए हमारा मिक्स हो गया है ठंडा। अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब। सिंपल कोई भी ब्रेड ले लीजिए, चाहे व्हीट ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, व्हाइट वाली हो, सैंडविच ब्रेड, तो वो ले लीजिए। ब्रेड लीजिए, मिक्सी में छोटे टुकड़े कीजिए और मिक्सी को चला लीजिए। आपको इस तरीके का फाइन पाउडर ब्रेड का मिल जाएगा जिसे हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। है ना कितना आसान। लगभग इसमें हम डालेंगे बड़ी वाली 4 चम्मच और फिर हम चेक कर लेंगे कि इसकी बाइंडिंग और कंसिस्टेंसी परफेक्ट है कि नहीं। ब्रेड क्रम से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो इसको बाइंडिंग मिलेगी, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये फटेगा नहीं। दूसरा, इसका क्रिस्प बढ़ जाएगा। तो आप अगर ब्रेड क्रम ना हो, आपके पास कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लावर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और ब्रेड क्रम को भी अच्छे से अपने मिक्स के साथ हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप डीप फ्राई मत कीजिए, फिर आप इसको टिक्की की तरह से शैलो फ्राई कर लीजिए। तो आपको ब्रेड क्रम्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसके ऊपर एक कोटिंग भी करेंगे जिससे फिर आपके जो कटलेट्स हैं वो फटेंगे नहीं। ब्रेड क्रम्ब डालने से एक तरीके से सेफ प्रोसेस है, यानी कि अब ऑयल में जब आप डीप फ्राई भी करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेंगे, साथ के साथ क्रिस्प हो जाएंगे। और ये देखिए परफेक्ट बिल्कुल है कटलेट के लिए। जब आप इसको इस तरह से बांध रहे हैं तो प्रॉपर ये बन रहा है, ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पर आप 6 चम्मच भी ब्रेड क्रम्ब लगभग आधे कप के करीब भी डाल सकते हैं। चिपक नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट है। हाथ को चिकना करके इस तरीके से आप एक रोल बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत ही इजी। और इस तरह बना करके हाथ से कीजिए हल्का सा प्रेस। अब आपकी चॉइस है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, पैटी की तरह गोल बना सकते हैं, ऑब्लॉन्ग रोल बना सकते हैं, इसको आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से कोनिकल से होते, नीचे से गोल होते हैं, इस तरीके के थिकनेस के हमारे कटलेट्स होते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ से भी हल्की इस तरीके की बेंडिंग शेप दे सकते हैं, तो चाहे ऐसे बना लीजिए। मैं इसको दे रही हूँ बिल्कुल ट्रेन वाले कटलेट की शेप, बिल्कुल ऐसी। और सारे ही कटलेट बिल्कुल इस प्रकार हम तैयार कर लेंगे। रोल कीजिए और इस तरह प्रेस करते हुए हथेली पर इसको एक दबाते हुए लीफ जैसी शेप दीजिए। लीजिए हमारा दूसरा कटलेट भी तैयार हो गया। तो सभी को बिल्कुल इसी प्रकार बना लेंगे। और ये लीजिए मैंने सारे ही कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पर हम कटलेट को क्रंची बनाने के लिए बनाएंगे एक स्लरी यानी एक घोल। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है लगभग 5 बड़े चम्मच मैदा। अब मैदा में आप डालिए थोड़ा सा नमक और धीरे धीरे करके डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करेंगे जिससे कि जो हमारे कटलेट्स हैं उनकी ऊपर की क्रस्ट एकदम क्रिस्पी बने और वो तलने पर फटे नहीं। और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब जो दूसरी चीज हम लेंगे वो है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड लीजिए, मिक्सी में चलाकर इस तरह फाइन पाउडर आप तैयार कर लें। तो हमारा ब्रेड क्रम्ब रेडी हो गया है, बहुत ही इजी। अब आप लीजिए एक कटलेट, कटलेट को कीजिए डिप इस तरह। ये देखिए हल्की कोटिंग हो गई ना, और इसको रखिए यहाँ और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर आप इस तरह डालिए या आप हाथ से भी इसको घुमा सकते हैं। और ये लीजिए मैंने सारे ही वेज कटलेट तैयार कर लिए हैं ब्रेड क्रम्ब लगा करके, बिल्कुल परफेक्ट ये दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, अवन में बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है। 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन में लगभग 15 से 18 मिनट के लिए आप इसे बेक कर लें। और इस तरह से बना करके आप इसे 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरह से फॉइल पेपर या क्लिंग रैप लगा करके आप इसको कर दे बंद और रख दीजिए फ्रीजर में। तो ये फ्रीजर में 15 दिन भी खराब नहीं होंगे, फिर जब मन चाहे तब निकालिए, 5 मिनट में कीजिए तैयार। तो हम करने वाले हैं डीप फ्राई। तो उसके लिए आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई या पैन और उसमें डालें कुकिंग ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, बढ़िया हीट आ रही है। धीरे धीरे करके गर्म तेल में कटलेट को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। एक बार में जितनी स्पेस है कढ़ाई में बस उतने ही पीसेस डालें। और अब आप फ्लेम को कर दीजिए मीडियम। यहाँ पर जरूरी पॉइंट, अभी हम कटलेट को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब ये हल्के से इसके नीचे के लेयर फर्म हो जाएगी तब हम इसे पलटेंगे।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कटलेट हल्के गोल्डन दिख रहे हैं, तो बस इस स्टेज पर आप लीजिए एक स्पून और स्पून से धीरे धीरे इसको पलट दीजिए। परफेक्ट, एकदम बढ़िया गोल्डन सिक रहे हैं हमारे। क्रस्ट देखिएगा आप इसका कितना जबरदस्त क्रंची आएगा। जिस तरीके से ये मैंने बनाए हैं बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी करारे हमारे रेलवे वाले बैच कटलेट है बिल्कुल तैयार। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम बेहतरीन। ऊपर का क्रस्ट देखिए, आपको अब भी दिल हो जाएगा इसे बनाने का। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही शेप, बिल्कुल वैसा ही गोल्डन क्रस्टी टेक्सचर, बल्कि और भी बढ़िया। जरूर बनाइए। तो बस सबको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट पर। सुपर्ब। और बिल्कुल इसी तरह हम अपने सेकंड बैच की भी फ्राई करेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे रेलवे वाले बैच कटलेट। और शादी वाले भी, शादियों में भी ऐसे ही होते हैं ना, जरूर जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे और सभी लोग तारीफ करेंगे। और इसका क्रंच और क्रस्ट आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया है, एकदम गोल्डन। और ये देखिए, और इस तरह से बना करके आप बैच कटलेट को सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप, मनपसंद किसी भी डिप, शेजवान सॉस, मेयोनीज, किसी के साथ भी। जरूर बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये कटलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।